नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों का। ग्राम पंचायत राजापुरा से प्रधान पद हेतु प्रत्याशी गोविंद सिंह यादव से हमारे संवाददाता पारस शर्मा और नईम खान ने खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड न्यूज 24 के माध्यम से बताया है कि अगर मैं इस बार प्रधान पद पर भारी मतों से जीत हासिल करता हूं तो गांव में अच्छा विकास और अच्छी शिक्षा और गांव में खुले जानवर जो घूमते हैं उनके लिए गौशाला व शौचालय, आवास और जो काम हमारे गाँव के हित में होंगे उन हर समस्याओं को पूर्ण करने का संभव प्रयास करूंगा और अपने कार्य को बड़ी निष्ठा से करूंगा। इसी के साथ सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि मुझे भारी मतों से मेरे चुनाव चिन्ह कार्य का बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। झांसी संवाददाता पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। बुजुर्गों से बात होने वाली है, जो गांव की बहुत बड़ी पीढ़ी होते हैं जिनके ऊपर गाँव निर्भर होता है। अब उनसे हम जानेंगे कि गाँव में इस समय क्या स्थितियां हैं और क्या प्रधान की चुनाव में जो चल रहे हैं उनका रुख किस तरफ है। गोविंद सिंह यादव की तरफ है, क्योंकि गोविंद का हमको पूर्ण उम्मीद है ग्रामवासियों के लिए कि आगे ये 5 साल के अंदर इस गांव के लिए एक सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि युवा है और सबको सम्माननीय है। गाँव का जब प्रधान बनता है तो 5 साल के लिए गाँव का भविष्य उसके हाथ में होता है। जी जी जी, तो 5 साल में वो हम उम्मीद रख रहे हैं कि 5 साल में गरीबों के लिए जो विकास के लिए पैसा आया है, गांव का विकास करने के लिए पैसा आया है, उसको पैसा लगा करके गांव को 5 साल के अंदर यानी क्या नाम स्वच्छ अभियान करके दिखा देंगे और समस्त ग्रामवासियों का गरीब से गरीब के लिए मदद करेंगे और विकास करेंगे। धन्यवाद। भाई साहब, आपके गोविंद सिंह जी जो अपने राजापुर क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक का क्या रहा है भाई साहब कि इस गांव में विकास के लिए लोग मारामारी करते रहे, अपनों को पहचान पहचान के रेवड़ी की तरह बांटा गया। बिल्कुल, हर व्यक्ति जो गरीब गुरवा है और जो नीचे उससे आता है तो उसको बढ़ाने की कोई प्रयास नहीं किए गए अपने लोगों को संतुष्ट करने का। आप चाहे यहाँ पर राशन कार्डों की लिस्ट उठा लें, आयुष्मान की लिस्ट उठा लें, तो उसमें जो वास्तविक पात्र हैं वो आज तक दर्ज नहीं है। आवासों के नाम पे ऐसे लोगों को दे दिए गए जो कहीं से कहीं तक पात्रता जिनकी थी नहीं, उनके पहले से पक्के मकान हैं उनको भी आवास मिले हैं। शौचालयों में इतनी गड़बड़ी हुई है कि किसी को 6,000 मिले हैं, किसी को 7,000 मिले हैं। तो हम लोगों ने इसी मुद्दे पर सारे युवाओं ने इकट्ठे होकर हमारे बड़े भाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और उनसे हमने ये भी कहा है कि अगर आप हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम लोग स्वयं आपका विरोध करने लगेंगे। 100% आप ये मानिए कि गांव का विकास 5 साल में हम लोग वो करके दिखाएंगे सारे युवा मिलके हमारे बड़े भाई के साथ में कि आपके गांव की, इस गांव की हम लोग तस्वीर बदल देंगे। तो बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं ग्राम राजापुर में, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान पद प्रत्याशी से, गोविंद यादव जी से। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपको पता है कि आगामी चुनाव है, चुनाव का माहौल चल रहा है चारों तरफ, तो इसको लेकर आपकी क्या क्या तैयारी चल रही है इस समय? हमारे सब लोग तैयारी में हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे और गांव के विकास के लिए जीतेंगे, तो गांव के भला करेंगे। जो गायों से और पानी से जो परेशान हैं लोग, हम वो मुक्ति दिलाएंगे। आपके गांव में अभी क्या क्या समस्याएं उपलब्ध हैं इस समय? सबसे ज़्यादा पहले पानी और गाय की परेशानी है, यहाँ अन्ना जानवर है जो छुट्टा, अच्छा अच्छा, उससे परेशान है ज़्यादा यहाँ। तो यहाँ की वो क्या गौशाला की व्यवस्था नहीं है आपके गांव में? यहाँ गौशाला की व्यवस्था है, अकेले कोई व्यवस्था उसमें करता ही नहीं है, आज तक कोई किया ही नहीं। अच्छा। किसान बहुत परेशान है। अगर आप प्रधान बन जाते हैं आने वाले कल के, तो क्या तैयारी रहेगी, क्या आपकी सबसे ज्यादा जो अगली फसल होगी उससे पहले मैं गायों को बंदेज में करा दूंगा, मतलब उनके लिए खाना। हाँ। और क्या यहाँ लाइट पानी कैसी क्या समस्याएं हैं जो अब आप आने वाले, अब पैसे की प्रधान में खड़े हुए हैं आप, तो क्या समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा मुद्दा है आपका? पानी और ये थोड़ा बहुत रोड़ों का काम है, ये किया जाएगा, और गायों के लिए जो गौशाला बनी है उसमें उपस्थित सब, मतलब उनका खाना पीना कराया जाएगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने गांव वालों के लिए और अपने गांव के लिए क्या क्या विकास करवाएंगे, क्या क्या सुविधाएं अपने गांव वालों को आप उपलब्ध कराएंगे? हम कोशिश करेंगे कि हर सुविधा के पर खरे उतरे, मतलब ऐसी कोई वो पूरा हमारा सबका साथ रहेगा, वो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाएंगे अपन। और आपके गाँव में शौचालय वगैरह आवास वगैरह की कोई कमी? अब जो लोगों को आवास नहीं मिला उन्हें आवास करवाएंगे जी। और जिसको लेटरिंग नहीं बनी उन्हें लेटरिंग बनवाएंगे। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गांव वासियों को? हम ग्राम वासियों के बहुत हमारे साथ सब लोग का बहुत बड़ा एहसान है, हम सब साथ मिलकर चलेंगे। चुनाव चिन्ह कार है हमारी।
संदेश देना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं गांव वालों से निवेदन करता हूं कि भारी मतों से मुझे विजय बनाएं, कार पर मोहर लगाकर मैं उनके साथ हर दुख सुख में साथ रहकर उनकी सेवा करूंगा।